मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट वीनम सक्सेना। एनसीसी डे का सेलिब्रेशन आज हम कर रहे हैं। एक्चुअली एनसीसी डे फोर्थ संडे जो नवंबर का होता है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हम उसकी पूर्व संध्या पर एक आज ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एनसीसी डे के दिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स और अपनी स्पीच के माध्यम से सारे ही बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। बच्चे देशभक्ति के गानों पर डांस करते हैं, देशभक्ति के गाने सुनाते हैं, और साथ ही हम आज के दिन एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखते हैं जिसमें जो हमारे नए आए बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में जिन कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन्हें हम इस बारे में बताएंगे कि किस तरीके से पूरे साल एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो उनकी कराई जाएगी और उसमें उनको किस तरीके से मिलिट्री सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाएंगे और जो जनरल सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज हम करेंगे। मेरा संदेश सारे ही कैडेट्स के लिए बल्कि सारे ही बच्चों के लिए कि उन्हें हमेशा एकता और अनुशासन में जीना चाहिए और अपनी पढ़ाई के माध्यम से ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा संदेश है। मेहनत करके वो लगन से पढ़ें और अपने आप को अपने कैरियर को बनाएं। ये मेरा संदेश एनसीसी डे पर सभी कैडेट्स से। मैं डॉक्टर अजिता सिंह तिवारी, बरेली कॉलेज बरेली की बी यूनिट की केयर टेकिंग ऑफिसर। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि 74वां एनसीसी दिवस हम आज मना रहे हैं और छात्रों में बहुत अधिक उत्साह है। कैडेट्स अपने अपने कार्यक्रमों के द्वारा अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वे स्पीच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, गानों के माध्यम से और डांस के माध्यम से अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों के कल्चर से भी हमें परिचित करा रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस प्रकार से एकता और अनुशासन में रहकर हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं वही हमारे एनसीसी का मोटो है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कैडेट्स हमारे देश का नाम और अधिक ऊंचा करें, यही मेरा आज उनके लिए संदेश भी है और शुभकामनाएं। धन्यवाद।